पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में पिछले कुछ समय से अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की कार्यवाही लगातार जारी है। इसी कार्यवाही के तहत पीथमपुर के बागदून थाना क्षेत्र अंतर्गत तालाब के पास से आज अतिक्रमण हटाया गया है। दरअसल यहां कई वर्षों से लोगों ने शासकीय भूमि पर अपना कब्जा जमाए रखा था, जिसमें कुछ 57 लोगों को प्रशासन द्वारा नोटिस दिए गए थे, जिनमें से कुछ अवैध अतिक्रमण आज भी जिला प्रशासन और नगर पालिका द्वारा संयुक्त कार्यवाही कर हटाए गए। वहीं SDM रोशनी पाटीदार ने बताया कि जिन लोगों के अतिक्रमण हटाए गए हैं, प्रशासन द्वारा उनके पूर्ण स्थापना के लिए व्यवस्था पूर्व में ही की जा चुकी है। अगले कुछ दिनों में ही वहां स्थापित कर दिया जाएगा। वहीं अब तक उनके निवास की व्यवस्था इंडोरामा स्थित रेन बसेरे में की गई है। पीथमपुर से संजय सुनगला की रिपोर्ट। आया था कि अतिक्रमण में है, उसको कोई उनका प्रोजेक्ट चालू होने वाला है, तो उसमें अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है, जिसमें AKVN नगर पालिका और सामान्य प्रशासन पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। कितने मकानों को तोड़ा गया था? ये पूरी कॉलोनी है, इसमें अवैध कॉलोनी पूरी पूरी टूट 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 गई। क्या आप देख रहे हैं, क्या पुनः यहाँ पर स्थापित होने की तैयारी में है क्या लोग, या प्रशासन इस पर अटल है कि अब नहीं देखी? नहीं, अब तो कोई प्रोजेक्ट आ रहा है वो प्रोजेक्ट आपका शुक्र। हमारा हम कहाँ जाएंगे, अब गरीब लोग 50 साल के यहाँ रह रहे हैं और दाढ़ी कमा कमा के मकान भी बनाए हमने। आपको इसके पहले सूचना दी थी? नहीं दी थी। बिना सूचना दिए तोड़ा आपका मकान? वो नोटिस आया था सर। कब दिया था नोटिस? अभी परसों का रोज। हाँ, क्या नाम है आपका? कृष्णा। 25 साल से मकान था साहब, 25 साल से रह रहे हैं। प्रशासन से बोला था हमने, बारिश के रुकने का टाइम दे दो 4 महीने। ना पुलिस ने सुनी, ना प्रशासन ने सुनी, ना कोई CO में मैडम, अपने तहसीलदार साहब, जो भी साहब थे, जिसकन आवेदन किया, उनने सबने मना कर दिया। बोले ये नहीं रुक सकता, हमारे ऊपर आगे से आदेश ऊपर। उसके बाद में हमने रिक्वेस्ट भी करी साहब, गरीब आदमी बच्चे लेके कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? हमको जगह देने का वादा करा था सिलावट में, वहाँ पे गांव वाले उनने हमको नहीं रहने दिया, गए थे। ना इनने जगह बदली है, नगर पालिका घर से बेघर हो गए, सारा सामान रोड पे है। चांद साहब, आज ये जो कार्रवाई है उसको, आज ये MPIDC की जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमणकर्ताओं ने अतिक्रमण कर लिया था, उसी के संबंध में पिछले 2 महीने पहले से सभी को नोटिस दिए, करीबन 4 नोटिस सभी को दिए गए थे कि आप यहाँ ये जमीन खाली कर दी। आज यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही। क्या व्यवस्थाएं की है लोगों को? इनके लिए हमने वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी की है, और यदि जिसका घर नहीं है उसके भोजन पानी की भी व्यवस्था। क्या शुभ रोशनी पाटीदार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।